संबल का भविष्य दिखा कीचड़, पानी से गुजर कर जाता है स्कूल। संबल के विकासखंड रजपुरा के गांव चाउपुर डाडा के डोलो की मड़िया में प्राथमिक विद्यालय के सामने व आने वाले रास्ते पर पानी व कीचड़ भरा हुआ है। मासूमों को आने जाने में परेशानी होती है और गंदगी से मच्छर कीटाणु पैदा होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं। प्रधानाचार्य जी का कहना है कि मैंने इसकी जानकारी कई बार ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से कहा, लेकिन वह कहकर टाल मटोल कर देते हैं। क्या कर रहा है योगी जी का प्रशासन, कब तक हो पाएगा गाँव का विकास? सर आपका नाम क्या है? मुनीश कुमार। मुनीश कुमार जी, सर ये बताइएगा आप जो यहाँ पर जो स्कूल के सामने जो पानी भरा पड़ा है, इससे तो परेशानी बहुत हो रही होगी बच्चों के लिए, गंदा पानी है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में हम उसको सही कराना चाहते हैं। प्रधान जी से मिले, कई बार उसको बोला भी है उनसे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको सही जल्दी सही कराएंगे। लेकिन ये तो बहुत दिन तो भरा पड़ा है, तो प्रधान जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आप आश्वासन दे देते हैं, मैं कराऊंगा, इसको कराऊंगा। आश्वासन दे देते हैं। आपने कहीं ऊपर शिकायत की इसके बारे में या नहीं? इसके बारे में हमने उस दिन क्या नाम सचिव साहब को बताया था, इसके बारे में सचिव जी को बताया। क्या कह रहे हैं सचिव साहब? सचिव साहब ये कह रहे थे प्रधान जी से मैं जल्दी ही काम करवाऊंगा और ये मैंडेट है न, क्योंकि सर योगी सरकार जो है जो शिक्षा को बढ़ोतरी दे रही है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ोतरी है कि यहाँ पर जो पानी भरा पड़ा सामने इतना गंदा है, क्योंकि इससे बीमारी भी घातक है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशानी ज़्यादा हो रही होंगी। तो क्या विषय है इसका? बच्चे आने में भी है का दिक्कत कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं। अभी रास्ते में देखा होगा तुमने। हाँ, उस वो भी लेकर आया हूँ मैं। इतना पानी भरा हुआ है, इस संबंध में मैंने कई बार गाँव के लोगों से पूछा, बहुत तरफ घूरे डाल रखे हैं लोगों ने, तो मैं सोच रहा था कि ये रोड से घूरे अगर हट जाए तो पानी भी हट जाए। संबल से तरुण ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट।